हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स कर लिए थे, यानी उनको शॉर्ट में हमने देखा था। आज हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले यूटिलाइज होने वाला हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। बच्चों, इस मेथड के जो अदर नेम है, दैट इज पल्वराइजेशन, भी इसको बोला जाता है। अब इस मेथड की नेसेसिटी कहाँ होती है या इस मेथड में होता क्या है वो देखेंगे। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब होता है कि उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना या कन्वर्ट करना, एंड ग्राइंडिंग का मतलब है उसको अच्छे से फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना। अब एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब माइनिंग के थ्रू हम डिफरेंट ओर्स गेन करते हैं तो बड़े रॉक्स के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होते हैं, और बड़े रॉक्स मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छे से होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट मोटो होता है कि जो भी बिग रॉक्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं माइनिंग के थ्रू, तो सबसे पहले उनको क्रश करके स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड देयर आफ्टर उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स, यानी जो क्रशिंग है बिग रॉक्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का जो वर्क है वो क्रशर के हेल्प से होता है, एंड फाइन पाउडर जो होता है वो बॉल मिल एंड स्टैम्प मिल की हेल्प से होता है। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जो बिग रॉक्स हैं उनको फाइन पाउडर में हमें कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओर्स आर obtained in the form of big rocks and so they are converted into small pieces with the help of crusher and then fine powder. With the help of ball mill and stamp mill. So that the process can be made easily. क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। इसके जो डिफरेंट नेम है, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओट्स। तो ये थ्री डिफरेंट नेम्स हैं। कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि हमें हमारे पास जो ओर आने वाला है, हमने ग्राइंडिंग या क्रशिंग के थ्रू जो पाउडर हमें मिला है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हमारा पर्पस होता है, और इम्प्योरिटीज़ का मैंने नाम बताया था गैंग और मैट्रिक्स, दैट इज़ कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो इस इम्प्योरिटी को हमें रिमूव करना होता है, जिससे कि हमारे पास जो मिक्सचर होगा या हमारे पास जो मटीरियल होगा
उसमें ओर की अमाउंट ज़्यादा हो, ओर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जिससे कि हमें जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। अदरवाइज हम सपोज कीजिए हमने इसका कंसंट्रेशन नहीं किया और आगे आने वाले जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो एज इट इज़ अप्लाई कर दिए, तो इसका मतलब हमारा बहुत सारे मनी और टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि जो प्रोसेस हैं वो ओर के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो इनिशियली जो हमारे पास ओर का पाउडर है या मटेरियल है उसमें से इम्प्योरिटीज़ हम सिंपल फॉर्म में जो रिमूव कर सकते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब इस कंसंट्रेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज का आप नेम लिखना चाहते हैं गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम क्रशिंग और ग्राइंडिंग और फ्रॉम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हम कह सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन कंसंट्रेशन आर। सभी ओर्स का कंसंट्रेशन एक ही मेथड से नहीं होता, क्योंकि हर ओर में जो मेटल है उसका नेचर डिफरेंट होता है, ओर का नेचर डिफरेंट होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑक्साइड हो सकता है, कोई क्लोराइड हो सकता है, या फिर सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, तो डिफरेंट ओर्स प्लस उनके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसका नेचर एंड जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन के स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो विच आर डिपेंड, या नोट डाल सकते हैं आप, विच आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओर, मेटल एंड इम्प्योरिटीज। क्लियर? एंड नाउ जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको बच्चों ग्रेविटी सेपरेशन भी बोला जाता है और ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज लीचिंग प्रोसेस, एंड फोर्थ इज फ्रॉथ फ्लोटेशन फ्लोटेशन मेथड। ये फोर मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक का मीनिंग है, वॉशिंग का मतलब है धोना यानी वॉश करना, और हाइड्रोलिक मीन्स होता है वाटर से वॉश करना। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, यानी फर्स्ट हमारा जो मेथड हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज
हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। तो सबसे पहले तो ये कहाँ, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, किस टाइप की इसकी वर्किंग है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज या डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज या हम कह सकते हैं जहां हमने ग्रेविटी लिखा है, सॉरी डेंसिटी लिखा है, वहां आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डाल सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी और सॉरी डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों एक ही मीनिंग है। दोनों वर्ड्स का थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट है बट मीनिंग एक ही है, इसीलिए हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। तो किस पे बेस्ड है ये? इन द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी, यानी हमारे पास जो क्रशर ओर है उसके अंदर एक तो हमारा ओर है और एक इम्प्योरिटी है, तो दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस, यानी एक बहुत हैवी होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसे मेटल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है यानी जो हैवी हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हैवी मेटल्स, like Fe, that means iron, lead, Pb and tin, Sn और इनके ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स, यहाँ ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल हो गया कि मेथड किस पे बेस्ड है और सेकंड ये किसके लिए यूज होता है। नाउ थर्ड, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह का होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो सिंपल सा जो ओर का फाइन पाउडर है उसको एक रनिंग वाटर की तेज स्ट्रीम यानी फास्ट स्ट्रीम के साथ इसको वॉश किया जाता है। जब इसको वॉश किया जाता है तो लाइट पार्टिकल्स जो कि इम्प्योरिटीज के हैं वो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाते हैं और जो मेटल के या मेटल ओर के जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए एक वुडन टेबल है, स्लोपिंग स्लैंटिंग टेबल है, इसके ऊपर ओर का मिक्सचर या क्रस्ड ओर इसके अंदर से डाला जाता है और ये रनिंग वाटर की एक फास्ट स्ट्रीम यहाँ से पास की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाटर, ये जो स्लैंटिंग टेबल है इसके ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब ये रनिंग वाटर मूव करता है तो अपने साथ जो लाइट पार्टिकल्स हैं इनको वॉश करके लेकर आता है और यहाँ जो टेबल है इसके ऊपर जो हैवी मेटल ओर्स हैं उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी वॉशिंग ऑफ द ओर विद द वाटर। तो यू कैन नोट डाउन इन दिस मेथड, The crushed ore is washed with fast stream of running water by this process. Light particles of
सैंड, क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज एंड अदर इम्प्योरिटीज वॉश्ड अवे एंड हैवी पार्टिकल्स heavy particles of ore settle down. Clear? Now, बच्चों next method है, that is the gravity separation. Second method आप डाल लीजिए, gravity नहीं magnetic separation, sorry, magnetic separation, gravity separation we have done. मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे नेम से ही पता पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसमें मैग्नेट यूज करना है और मैग्नेट उन पार्टिकल्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. दैट मीन्स वो और पार्टिकल्स, इसमें और भी हो सकता है या फिर इम्प्योरिटी भी हो सकती है, लेकिन दोनों में से कोई एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला होना चाहिए. तो अगर हम ओर की बात करें तो आयरन, क्रोमियम, ये वो मेटल्स हैं जिनके ओर्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. या फिर इसमें अगर ऐसे ओर्स नहीं हैं तो दूसरे ओर्स हो सकते हैं, बट उनमें मैग्नेटिक इम्प्योरिटी हो सकती है. तो दैट मीन्स हमारा ओर या उसमें प्रेजेंट जो इम्प्योरिटी है, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो. तो उसी के लिए हम ये मैथड यूटिलाइज करते हैं. नाउ दिस मैथड this method is used when one either ore or impurity has magnetic प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल SnO2, ये टिन ऑक्साइड है, सिंपल सा हम टिन ऑक्साइड बोल सकते हैं, बट इस जब ओर का हम नेम ले तो दैट इज कैसिटेराइट. दिस इज द टिन ओर, दिस इज अ ओर ऑफ टिन. This ore contain impurity of Fe and chromium. Chromium compounds. And compound या oxide कह सकते हैं, oxide of Fe and Cr are magnetic in नेचर. तो हमारा इनमें से आयरन के साथ सपो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये ऑक्साइड्स हैं जो कि मैग्नेटिक नेचर के होते हैं. इसी तरह से क्रोमियम के ऑक्साइड भी मैग्नेटिक नेचर के होते हैं. तो हमारे पास जब हमारा मोटिव ये है कि टिन हमारा ओर है, तो टिन ओर के साथ यानी कैसिटेराइट के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती है, मोस्टली आयरन के ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले हैं. तो दोनों में से एक जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो गया. इसमें आपको कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा द आयरन और वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रेमाइट इसका फॉर्मूला होता है Fe WO4
ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये डाल लीजिए हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ टिन ऑक्साइड, जो मैंने ऊपर लिखा है SnO2। क्लियर? तो इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट मिल सकता है, मोस्टली आपको जो मिलने वाला है दैट इज टिन ऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड की यानी हेमेटाइट मैग्नेटाइट की इम्प्योरिटीज होती है। तो इनमें से क्रोमियम आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं या कंपाउंड है वो होंगे आपके मोस्टली ऑक्साइड ही मिलेंगे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, और SnO2 इसमें नॉन मैग्नेटिक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन। सिंपल सा आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है। नाउ प्रिंसिपल क्या है, दोनों में से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए। इसका वर्किंग मेथड हमें लिखना नहीं है, ध्यान रखना है। ये आपको डायग्राम मिलेगा, इसको आइडेंटिफाई आपको करना है कि इस तरह का जो डायग्राम है वो मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कंसंट्रेशन का मैग्नेटिक सेपरेशन है उसमें यूटिलाइज होता है। सिंपल सा इसमें टू रोलर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे ये जो रोलर है ये मैग्नेटिक रोलर होता है यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक रोलर। ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक व्हील भी हम बोल सकते हैं, और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है। यहाँ पर ये एक बेल्ट है, कॉन्वेयर बेल्ट, जो कि रोटेट होता है इन व्हील्स के ऊपर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो, अच्छा इसमें इस साइड बना रखा है, ये मैग्नेटिक है, इसको उल्टा कर लीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप डायग्राम को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। ये जो पाउडर डाला जाता है वो नॉन मैग्नेटिक पर डाला जाता है, तो ये वाला हमारा मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक। क्लियर? ये नॉन मैग्नेटिक है। क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ से होगा, ये जो पाउडर और है जैसे मैंने इसको देखा नहीं, तो ये देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है। ये नॉन मैग्नेटिक व्हील के ऊपर डाला जाएगा और ये मैग्नेटिक व्हील होगा, यानी आपका जो सेपरेशन है वो मैग्नेटिक व्हील की तरफ होगा। अब यहाँ इसके ऊपर एक बेल्ट बना हुआ है जो कि रोटेट होता है, यहाँ से पाउडर और डाला जाता है, ये बेल्ट रोटेट होगा। और रोटेट होने पर क्या होता है, क्योंकि अभी तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो पाउडर का इधर उधर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बट जैसे ही यहाँ से स्लोप बनेगा, ये स्लोप बन रहा है क्योंकि ये व्हील मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक व्हील क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो भी मटेरियल है उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो स्लोप आते ही नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है स्लोप आते ही ये नीचे यहाँ पर गिर जाते हैं, और ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल से ये व्हील के साथ अट्रैक्ट होते हुए चलते हैं, और अट्रैक्ट होते हुए जब मैग्नेटिक व्हील का यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है वहाँ जाकर ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल डाउन हो जाते हैं। तो आपको जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो व्हील से थोड़ा दूर मिलेंगे और मैग्नेटिक पार्टिकल्स व्हील के पास में। तो इस तरह से दोनों पार्टिकल्स का सेपरेशन हो जाता है और ये मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मेथड हमारा वो अप्लाई होता है। तो नाउ इसमें लिखने का कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक मेथड। बच्चों नेक्स्ट मेथड है लीचिंग। लीचिंग कहाँ यूटिलाइज होता है? लीचिंग एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, इस तरह के मेटल्स के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप ये डाल लीजिए कि कहाँ इसको यूज़ करना है हमें। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड यानी AU। अब इस मेथड को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है और हायर क्लासेस में आपको स्टडी करना है इसको। हम यहाँ पर एक एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा सा इसको देखेंगे। बच्चों ये जो लीचिंग का प्रोसेस है, अभी हमने क्या किया, कंसंट्रेशन के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक प्रोसेस, इस तरह का हमने जो मेथड्स है यूटिलाइज़ किए, वहाँ हमने कोई केमिकल सब्सटेंस यूटिलाइज़ नहीं किया। बट इस मेथड में ऐसा कोई केमिकल रिएजेंट यूज़ किया जाता है
जिसके अंदर जब ओर को डिजोल्व किया जाता है तो वो ओर पार्टिकल्स को तो डिजोल्व करता है यानी इनको सोल्यूबल बना लेता है, बट जो इम्प्योरिटीज़ है वो इनसोल्यूबल रहती है उस सॉल्यूशन के अंदर और उनको फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाता है। तो दिस मेथड ए केमिकल रिएजेंट इज यूज्ड टू डिजोल्व द क्रश्ड ओर पार्टिकल्स आर सोल्यूबल इन दिस रिएजेंट बट इम्प्योरिटीज रिमेन इनसोल्यूबल एंड इट इज फिल्टर्ड टू सेपरेट द ओर पार्टिकल्स द ओर सॉल्यूशन कह सकते हैं या सेपरेट टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इट इज फिल्टर द इम्प्योरिटीज। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट, आपको ओर्स लर्न होने चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पेपर उठाकर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के ओर्स का नेम या नेम देकर उनका फॉर्मूला पूछा गया है। तो ओर्स की जो टेबल मैंने बताई है सिंपली उनमें से मोस्टली सारे ओर्स आपको लर्न करने हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज डिजोल्व इन 45% NaOH सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग एल्यूमिनियम फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट विच इज सॉल्यूबल बट इम्प्योरिटीज आर इनसोल्यूबल। क्लियर। तो एल्यूमिनियम के लिए ऑक्साइड ओर का पूछा जाए कि कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है किस मेथड से किया जाता है, बाय लीचिंग, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से हो द लीचिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग ओर, तो दैट इज यूज फॉर द एल्यूमिनियम। अगर आपके पास ऑप्शन में है सिल्वर या गोल्ड है तो भी चलेगा, इनके ऊपर भी ये यूटिलाइज किया जाता है। इन मेथड्स को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। नाउ इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि किसी केमिकल रिएजेंट में इसको डिजोल्व किया जाता है तो ओर तो सोल्यूबल होगा और इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल है, तो उसको फिल्टर करके हमने सेपरेट कर दिया। अब एल्यूमिनियम का पर्टिकुलर हम देखें तो एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड और है दैट इज Al2O3 2S2, इसका फॉर्मूला होता है आप टेबल में वॉच कर सकते हैं। इसको 45% NaOH सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है। डिजोल्व करने से एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने मेटल नॉन मेटल में देखी थी और मेटल्स में यानी एसिड बेस वाले चैप्टर में भी देखी थी। तो NaOH के साथ यानी एल्यूमिनियम जो मेटल है वो एम्फोटेरिक मेटल होता है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, तो ये बेस यानी NaOH से रिएक्शन करके यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो कि सोल्यूबल है,
यानी जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूबल है बट इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल होती है, तो उनको फिल्टर करके सेपरेट कर दिया जाता है। तो दैट इज़ अबाउट द लीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे जो थ्री मैथड्स है वो कम्प्लीट होते हैं।